हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपका रीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है और हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आए हैं दोस्तों। दोस्तों नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ये मॉक टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपको बाल मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे दोस्तों। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट होगा आपका लेवल 1 के लिए होगा, 150 प्रश्न होंगे दोस्तों, जो कि आपके नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित किए गए क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन जो हैं दोस्तों वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहले हम शुरू करेंगे बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन, जो कि 30 होंगे। तो पहला है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी दोस्तों। ये वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन भी बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है दोस्तों। तीनों ही कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं कि परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध किससे है दोस्तों? जो मैच्योरिटी होती है उसका संबंध है दोस्तों, याद रखिए, विकास से। परिपक्वता का जो संबंध होता है वो किससे होता है? विकास से होता है, याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है? तो विकास की किस अवस्था में है दोस्तों? तो ऐसा बालक कब करता है? ये करता है किशोरावस्था में, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर कि निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो सबसे कम महत्वपूर्ण है दोस्तों चिंतन की प्रक्रिया में मांसपेशियां क्रियाएं, मांसपेशी क्रियाएं ये चिंतन की प्रक्रिया में कम महत्वपूर्ण है दोस्तों। चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह है और भाषा, तीनों दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मांसपेशी क्रियाएं होती हैं वो चिंतन की प्रक्रिया में इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, तो ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की जो दिशा होती है दोस्तों वो होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर जो है बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों सभी, आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। तो अगला, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की जो भूमिका है दोस्तों वो होनी चाहिए व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करने की, और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करने की। दोनों ही दोस्तों अध्यापक की भूमिकाएँ होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों इसका जवाब होगा दोस्तों।
ठीक है, अगला देखते हैं। अगला, बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों, याद रखिए, अल्फ्रेड बीने ने जो है बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था, ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन बी दोस्तों, एकीकरण का है, निरंतरता का है और विविधता का है। ठीक है, अगला है, पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है? पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है दोस्तों, याद रखिए आप, यह है विद्यार्थी की समवर्ती के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन जो है यह होता है, ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, जो व्यापक मूल्यांकन होते हैं वो विद्यार्थी की समवर्ती के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन है। अगला है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है दोस्तों जिज्ञासा, यानी जो जिज्ञासा होगी बच्चे में, अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो सीखने की प्रक्रिया का कोई अर्थ ही नहीं बनता। तो सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है जिज्ञासा दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के में बातचीत की गई है, जो NCF 2005 है दोस्तों, उसमें क्या बातचीत की गई है? कि ज्ञान का विकास किया जाए और शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, ये बात जो है 2005 NCF में बातचीत की गई थी, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है? व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है दोस्तों? तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है दोस्तों, याद रखिए, यह है ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। व्यक्ति को व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक शारीरिक दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, विभेदीकरण स्तर जो है शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप भी साथ साथ करते चलिएगा, 150 प्रश्न हैं, और अंत में बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने जवाब सही मिले। अगर आपके जो हैं 110 या 100, 105 से ज़्यादा मिलते हैं तो आप सही दिशा में चल रहे हैं, अगर उससे कम है तो आपको मेहनत की ज़रूरत होगी दोस्तों, और मेहनत कीजिए। और जो रीट का जो सिलेबस है दोस्तों पूरा, वो मैंने करवा दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा सभी का, टॉपिक वाइज आपको सिलेबस करवा दिया गया है, तो देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने जो है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है,
अगला किसने कहा, ये जो कथन है दोस्तों कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी दोस्तों टाइलर ने, ये कथन जो था वो टाइलर का था। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। बार बार जो है एग्जाम्स में कथन आते हैं दोस्तों, एक दो से तीन क्वेश्चन बार बार कथनों से आते हैं कि ये कथन किसने कहा, ये कथन किसने कहा। तो आपको सारे के सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों वो करवा दिए जाएंगे। अगला देखिए कि बिग वे हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किस अवस्था में जो है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है? दोस्तों ये होता है किशोरावस्था में। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिए दोस्तों ये प्रतिपादित किया गया था पावलोव द्वारा। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, पावलोव द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था, याद रखिए। अगला है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कितने न्यूनतम कार्य जो हैं अध्यापक द्वारा निर्धारित किए गए हैं अध्यापक के लिए? ये किए गए हैं दोस्तों 45 घंटे, 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका जवाब हो दोस्तों। एक सप्ताह में जो अध्यापक होगा उसको कम से कम बच्चों को 45 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है, अगला निरीक्षण विधि में किया जाता है, निरीक्षण विधि में जो है क्या किया जाता है? तो निरीक्षण विधि में दोस्तों किया जाता है दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन, जो है निरीक्षण विधि में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है, अगला मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का जो उद्देश्य है दोस्तों क्या है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य है दोस्तों, याद रखिए ये है ऑप्शन डी, उत्पादकता, जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना ही जो है दोस्तों मूल्यांकन का उद्देश्य है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, अगला देखते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग जो है नहीं करते हैं? तो ये नहीं करते हैं दोस्तों उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। अगर बच्चों की जो अधिक प्रशंसा की जाएगी तो उनको अधिगम में जो है प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों, ज़्यादा तारीफ भी जो है अच्छी नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है, अगला उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं, उपलब्धि परीक्षण जो है कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं? तो उपलब्धि परीक्षण जो है दोस्तों वो दिए जा सकते हैं दो प्रकार से। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। उपलब्धि परीक्षण जो है दो प्रकार से दिए जा सकते हैं, याद रखिए दोस्तों। अगला सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सीखने प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण जो है दोस्तों हो सकता है शून्य भी हो सकता है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। दोस्तों कोई अध्यापक जो है सकारात्मक
ताके लिए बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण जो है विद्यार्थियों को उनको अधिगम हो भी पाता है और नहीं भी हो पाता है। मान लीजिए अगर हो गया तो उसमें भी दो ऑप्शन रहते हैं कि नकारात्मक हुआ है या सकारात्मक हुआ है। तो सीखने की प्रक्रिया में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो सीखने का स्थानांतरण हो सकता है वो शून्य भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं कि गार्डनर ने सात अभियोगताओं का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा सही नहीं है। गार्डनर ने सात अभियोगताओं का अधिगम निर्धारित किया, अधिमान जो है निर्धारित किया, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से सही नहीं है दोस्तों भावनात्मक अभियोगिता, इसमें सही नहीं है, ऑप्शन बी दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक को क्या करना चाहिए, जहां शिक्षक को जो है दोस्तों विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। ऑप्शन बी इसका जवाब हो दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भलीभांति प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे किस प्रकार से लेना चाहिए। क्वेश्चन यह है कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो इस शिक्षक को इसे दोस्तों किस प्रकार से लेना चाहिए। शिक्षक को जो है दोस्तों इसको सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला टीएटी किसके द्वारा बनाया गया था। टीएटी जो है दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था, टीएटी होता है दोस्तों थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसको कहा जाता है शारीरिक अंतर्बोध परीक्षण, इसको कहा जाता है दोस्तों, जिसका निर्माण जो है 1935 में सीडी मॉर्गन तथा एस ए मुर्रे ने किया था। तो दोस्तों टीएटी बनाया गया था ऑप्शन डी मुर्रे द्वारा, ठीक है, दो लोगों द्वारा बनाया गया था, सीडी मॉर्गन तथा एस ए मुर्रे। तो इसमें मुर्रे जो ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हम इसका आंसर मानेंगे, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। निम्न में से कौन सा मत जो है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, तो कौन सा करता है दोस्तों, तो ये करता है ऑप्शन डी गेस्टाल्टवाद, जो है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। देखते हैं अगला कि लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन से हैं। लड़का पैदा होने के लिए दोस्तों आपको सबको पता होगा, आपने ज्ञान में पढ़ रखा होगा, तो लड़का पैदा होने के लिए एक्स वाई क्रोमोसोम्स का होना आवश्यक है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। और लड़कियों के लिए क्या होगा, लड़कियों के लिए होता है दोस्तों एक्स एक्स क्रोमोसोम और लड़कों के लिए एक्स वाई। अगला है दोस्तों कि सीखने की खेल विधि उपयोगी है, सीखने की खेल विधि उपयोगी किसके लिए है दोस्तों, किस अवस्था में होती है ये उपयोगी, तो ये होती है दोस्तों बाल्यावस्था हेतु, बाल्यावस्था हेतु जो है सीखने की खेल विधि उपयोगी होती है, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिए।
ठीक है, तो मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों आज समाप्त होते हैं। तो अब आते हैं हम हिंदी जो आपकी भाषा है उस पर। तो हिंदी का पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? विद्यालय शब्द में दोस्तों कौन सी संधि है? तो विद्यालय शब्द में दोस्तों कोई सी भी संधि नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है, विद्या विद्या प्लस अल्य, इसमें दोस्तों कोई सी भी संधि नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब हो दोस्तों। अगला देखते हैं कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा? बार बार आता है दोस्तों, पवन शब्द का संधि विच्छेद होता है ऑप्शन सी, पो प्लस अन। पो प्लस अन जो है दोस्तों वो पवन शब्द का संधि विच्छेद होता है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखते हैं, हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन जो है दोस्तों कितने होते हैं? तो हिंदी में दोस्तों एक वचन होता है और एक बहुवचन होता है, तो कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी, दो प्रकार के। ठीक है, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, याद रखिए। अगला है कि आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरा का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? तो आगरा का बहुवचन होगा दोस्तों कुछ नहीं, बहुवचन नहीं होगा। आगरा जो है दोस्तों स्थान का नाम है, तो इसका बहुवचन नहीं होगा, ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, जो एग्जामिनर है दोस्तों वो ऐसे ही कन्फ्यूजन करने के लिए जो है क्वेश्चन ऐसे दे देता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जो आपका जो दिमाग कहता है वो आप लिखिएगा, निशान लगाइएगा उस पर, और जो है अपनी मानसिक जो क्षमता है दोस्तों उसका उपयोग करते हुए आप एग्जाम दीजिएगा दोस्तों। तो अगला है, जिन शब्दों में जो है के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों में जो है किसके अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, अविकारी शब्द, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिए। अगला है, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। शब्द के सही रूप का हमें चयन करना है, तो तृष्णा कैसे लिखा जाता है दोस्तों? तृष्णा का जो शुद्ध रूप होगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी, तृष्णा। ऐसे जो है तृष्णा को लिखा जाता है, शुद्ध रूप है ऑप्शन डी, याद रखिए दोस्तों। अगला है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बार बार एग्जाम्स में आता है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों ये है कवित्री, ऑप्शन सी। ठीक है, मात्राएं देख लीजिए दोस्तों, कव यह की छोटी की मात्रा और त्र की बड़ी की मात्रा। ठीक है, अगला देखिए कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं दोस्तों वो कहलाते हैं तत्सम शब्द, ऑप्शन सी इसका जवाब हो दोस्तों। और अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में परिवर्तन में आए हैं, हिंदी में परिवर्तन के साथ हुए हैं, तो उन्हें कहेंगे दोस्तों तद्भव, और जो बिना किसी परिवर्तन के आए हैं वो है तत्सम। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा दोस्तों। अगला, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है, इस मत का समर्थन किसने किया? तो इस मत का समर्थन किया था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है,
अगला, हर्बर्ट जो हर्बर्ट थे उपागम के पद कितने हैं? हर्बर्ट उपागम के पद दोस्तों कितने हैं? तो याद रखिए दोस्तों ये हैं पांच। बार बार पूछा क्या क्वेश्चन है, हर्बर्ट उपागम के जो हैं पंचपदीय थे, तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, शिक्षण में इकाई का सम्पत्य किसकी देन है? इकाई जो का जो सम्पत्य है दोस्तों किसकी देन है ये? तो ये दोस्तों मोरिशन दो, मोरिशन द्वारा जो है शिक्षण में इकाई का सम्पत्य दिया गया था, ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों सभी के सभी, आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा। अगला, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप कौन सा है? लिखित अभिव्यक्त रूप दोस्तों कौन सा है? तो लिखित अभिव्यक्त रूप है दोस्तों ये है लिखना, ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, अगला, डे का उच्चारण स्थान क्या है? डे का उच्चारण स्थान क्या है? डे दोस्तों वो बोला जाता है मुर्दा, मुर्दा है दोस्तों डे का उच्चारण स्थान, ऑप्शन सी। ठीक है, एग्जाम से पहले दोस्तों जो सभी उच्चारण स्थान हैं वो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, उच्चारण स्थान में एक क्वेश्चन जो है दोस्तों हिंदी में आता ही आता है। अगला है, मेरा पाठ्यपुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा है? पाठ्यपुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष कौन सा है दोस्तों? तो यह प्राककथन, प्राककथन जो है दोस्तों वो पाठ्यपुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिए। अगला देखते हैं कि वैचारिक सामग्री कौन सी है? वैचारिक सामग्री दोस्तों कौन सी है इनमें से? तो वैचारिक सामग्री दोस्तों मूल विषय वस्तु, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों, वैचारिक सामग्री है मूल विषय वस्तु, याद रखिए दोस्तों। अगला है कि श्रव्य दृश्य साधन इनमें से कौन सा है? श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है दोस्तों इनमें से? तो ये है दोस्तों चलचित्र, श्रव्य दृश्य साधन जो है चलचित्र होते हैं, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? नाटक का जो संबंध है दोस्तों किस ज्ञानेंद्रिय से है? तो ये दोस्तों कान व आँख से, नाटक का जो संबंध दोस्तों कान व आँख से है, ऑप्शन सी, क्योंकि नाटक जो है दोस्तों उसको सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है, तो कान व आँख जो है इसमें ज्ञानेंद्रिय उपयोग में लाई जाएंगी दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, स्तर की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन कौन सा है? स्तर की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन, तो ये है दोस्तों संकलनात्मक मूल्यांकन जो है स्तर की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन होता है, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, मतलब ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी कौन सा नहीं है इनमें से? तो ये नहीं है दोस्तों शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षित निर्मित सामग्री जो है ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं होती है, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। तो तीनों हैं शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्यवस्तु के प्रकरण और प्रश्नों के प्रकार, तीनों दोस्तों उपयोगी होते हैं, लेकिन जो शिक्षक निर्मित सामग्री होती है वो इसमें उपयोगी नहीं होती है। ठीक है,
अगला उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उपचारात्मक शिक्षण ये है दोस्तों कि अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है तो दोस्तों अब आता है हमारे सामने गद्यांश, उसमें से हमें छांट छांट के जो है आंसर देने होंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे पास जो दे रखा है ये पैराग्राफ है दोस्तों, ठीक है, तो इससे हमें छांटना था। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों इस पैराग्राफ में से कि वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। दो उपसर्गों का प्रयोग दोस्तों, तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ दोस्तों निर्विरोध में, निह प्लस विरोध, दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है इसमें, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है अगला, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है दोस्तों ये है दानव दानवता, ऑप्शन ए दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है। ठीक है अगला है, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है दोस्तों मूल जो किसी की नकल न हो, मौलिक शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है वो मूल जो किसी के लिए नकल ना हो, ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है अगला है, इनमें से काश का सही पर्याय कौन सा है? पर्यायवाची शब्द पूछ रखा है दोस्तों काश का, तो इनमें से सही जो कथन है दोस्तों जो ऑप्शन है वो है व्योम। सही पर्याय कौन सा है? व्योम जो है आकाश का सही पर्यायवाची है, ऑप्शन सी दोस्तों। अगला, आसपास शब्द में कौन सा समास है? आसपास शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों आपको मैं इसकी एक पहचान बता देता हूँ कि अगर आपको शब्दों के बीच में यह योजक दिख जाए जो आसपास के बीच में दिया हुआ है, अगर ये दिख जाए तो आप हमेशा समास लगाएंगे दोस्तों, ये लगाएंगे ऑप्शन ए द्वंद्व। ठीक है हमेशा ही जो है दोस्तों द्वंद्व होगा वो समास, ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है एक और जो है दोस्तों आपके सामने गद्यांश है, तो देख लीजिएगा दोस्तों, पढ़ लीजिएगा, शिक्षा के बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं कि इसमें हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं और उनके आंसर बता देते हैं, आप देख लीजिएगा दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो। ठीक है कि अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय, अनर्थकारी जो शब्द है उसका क्या अभिप्राय है? तो यह अनिष्ट करने वाला, अनिष्ट करने वाला जो है दोस्तों अनर्थकारी होता है, ऑप्शन डी। ठीक है अगला, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने से वाला शब्द है दोस्तों यह है अभिमान, ऑप्शन डी। ठीक है शिक्षा अच्छी बहस जो है स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जो अभिमान शब्द है दोस्तों वो पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन डी। ठीक है अगला, इनमें कौन सा युग्म जो है सही विकल्प है? कौन सा युग्म सही विकल्प है? दोस्तों जो पहला ही है वो सही विकल्प है दोस्तों, गो गोए एक वचन है तरफ, एक तरफ है दोस्तों, बहुवचन गोए होगा उसका, ऑप्शन ए।
ठीक है। अगला है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है? दोस्तों काल का भी एक टॉपिक आता है दोस्तों, जिससे एक क्वेश्चन जो है हिंदी में आता ही आता है। तो आप काल का जो है टॉपिक है दोस्तों वो देख लीजिएगा, मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में काल कौन सा है? ये है दोस्तों संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल है ऑप्शन बी दोस्तों, कि जो अध्यापक है कक्षा में पढ़ा रहा होगा, इसमें संभावना दर्शाई गई है कि पढ़ा रहा होगा, और का होगा में मतलब भविष्य हो गया, तो संभाव्य भविष्यत काल होगा ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, और हिंदी का जो अंतिम देखिए कि प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या है? प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों पद्धति, प्रणाली शब्द का सही अर्थ है दोस्तों पद्धति ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब हम आते हैं दोस्तों जो हमारी अंग्रेजी है, अंग्रेजी से संबंधित जो है दोस्तों वो क्वेश्चंस आपको इसमें करवाए जाएंगे जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों, छांट छांट के लिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पैसेज है दोस्तों एक, उसमें से हमें देख देख के बताना है, और जो क्वेश्चन होंगे वो हम देखेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में एक आर्टिकल दे रखा है, आप देख लीजिएगा दोस्तों इसको। ठीक है, ये आर्टिकल है पूरा। ठीक है, जहाँ पर आपको समझ में आए दोस्तों वीडियो को बैक करके पॉज करके आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस आर्टिकल से, क्वेश्चन क्या पूछ रखे हैं। पहला है, राजा राम मोहन राय इज नोन फॉर हिज, राजा राम मोहन राय दोस्तों किस पर काम के लिए जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे दोस्तों सोशल रिफॉर्म्स के लिए, सामाजिक सुधारों के लिए जो है राजा राम मोहन राय जाने जाते थे, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, वैन ही वाज ए टीनेजर, यानी कि जब राजा राम मोहन राय जब किशोरावस्था में थे तो उन्होंने एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू बिकम, उन्होंने क्या बनने की इच्छा जताई थी? तो उन्होंने दोस्तों एक मोंक यानी एक भिक्षु बनने की इच्छा जताई थी, ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है, अगला है कि राजा राम मोहन राय बिलीव्ड दैट, जो राजा राम मोहन राय थे विश्वास करते थे कि इंडियंस वुड लैग बिहाइंड इफ दे, कि जो इंडियंस हैं जो भारतीय हैं वो किसी को भी पीछे कर सकते हैं, यानी अपने आप को सफल बना सकते हैं। ठीक है, अगर वो क्या हो जाए, क्या हो जाए वो हो जाए दोस्तों ऑप्शन सी, डिड नॉट स्टडी मॉडर्न सब्जेक्ट्स। अगर राजा राम मोहन ने ये विश्वास किया था कि अगर जो भारतीय हैं वो आधुनिक इतिहास को ना समझेंगे, आधुनिकता को नहीं समझेंगे, आधुनिक विषय को नहीं समझेंगे, तो वो पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों, कि वो सफल नहीं होंगे अगर वैसा नहीं करेंगे तो। ठीक है, अगर राजा राम मोहन राय स्ट्रोंगली सपोर्टेड, राजा राम मोहन राय जो है दोस्तों किसको जो है सपोर्ट करते थे, किसको मानते थे? तो वे मानते थे दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मानते थे, ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, अगला है, द वर्ड एलिमिनेटिंग मोस्ट नियरली मीन्स, एलिमिनेटिंग का हमें सिनोनिम बताना है दोस्तों, सर्वनाम बताना है। तो एलिमिनेटिंग का जो सर्वनाम होगा दोस्तों वो होगा इरेडिकेटिंग, ऑप्शन ए दोस्तों।
एलिमिनेटिंग तो होता है दोस्तों, हिंदी में इसका अर्थ होता है निकालना, किसी को बाहर निकालना। तो इरेडिकेटिंग भी किसी को बाहर निकालना ही होता है। ऑप्शन ए इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा पैराग्राफ आ गया है दोस्तों। ठीक है, हमारे जो शरीर होता है उसमें कितना जो है दोस्तों तत्व होते हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। पानी होता है, जो ब्रेथ श्वसन होता है, डाइजेस्ट जो पाचन होता है, उसके बारे में जो है दोस्तों ये पैराग्राफ आपको बताएगा। तो आप देख लीजिएगा इस पैराग्राफ को, हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से कि है ब्लैंक हेल्प्स फाइट वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन होता है दोस्तों कि आपको जो है पानी से क्या कमी नहीं होगी। ठीक है, ड्रिंकिंग इनफ वाटर जो है दोस्तों, हमें जो पानी से होने वाले रोग होते हैं उनसे बचने में हमें सहायता मिलेगी, हम उनसे लड़ सकते हैं। लेकिन साफ व स्वस्थ पानी होगा तभी ऐसा हो सकता है दोस्तों, कि ड्रिंकिंग इनफ वाटर हेल्प्स फाइट वाटर रिटेंशन। ठीक है, ऑप्शन ए दोस्तों। अगला, आवर सिस्टम्स ऑपरेट सेटिस्फैक्टरीली। हमारा जो प्रणाली है वो संतुष्टिकरण की एक प्रक्रिया हो सकती है। कब हो सकती है? तब जब वह एक प्रॉपरली हाइड्रेटेड हो। हाइड्रेटेड मतलब दोस्तों एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें जो है दोस्तों सभी प्रक्रियाएं जो है समूथली चल सकें, आराम से चल सकें, तभी जो है हमारा सिस्टम जो प्रणाली है वो अच्छे से हो सकती है। दोस्तों ये जो बातें हैं वो हमारे शरीर से संबंधित है। अगर हम हमारे शरीर को अच्छे से जो है दोस्तों हाइड्रेटेड रखेंगे, उनको जल की या और भी जो जो शरीर को आवश्यकता होती है उसको शरीर को देंगे, तो हमारा जो प्रणाली है दोस्तों वो अच्छे से काम करेगी। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। द बेस्ट वे टू लूज वेट इज टू। वजन कम करने के लिए क्या सबसे बेहतर तरीका हो सकता है? आप सभी के लिए दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, एग्जाम्स की दृष्टि से भी और आपकी शारीरिक दृष्टि से भी। अगर कोई हेल्दी जो है दोस्तों स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है क्वेश्चन ये। तो बेस्ट वे टू लूज वेट इज टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से जो है दोस्तों वजन कम होता है। ऑप्शन सी दोस्तों। अगला है, व्हेन वी आर डिहाइड्रेटेड, यानी कि जब हमें पानी की जो कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो हम क्या सोचते हैं, क्या करने की इच्छा होती है? तो हमें दोस्तों नीड फूड, भोजन की जरूरत होती है। ऑप्शन सी। अगला है, द वर्ड इरिटेटेड मोस्ट नियरली मीन्स। इरिटेटेड होता है दोस्तों किसी से चिड़चिड़ाना, इरिटेट का मतलब होता है। ठीक है, तो इरिटेटेड का हमें सर्वनाम बताना है, सिनोनियम बताना है। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, एनोइड, किसी से नाराज होना, चिड़चिड़ाना। ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों जो आपकी इंग्लिश पैडा होगी है उससे संबंधित प्रश्न। तो पहला, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नोन एज। अर्थों को जानने का अध्ययन इंग्लिश में क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स इसको कहा जाता है, अर्थविज्ञान जिसे कहा जाता है, या शब्दों के अर्थ की विधा। ठीक है, सिमेंटिक्स होती है दोस्तों। ऑप्शन डी।
अगला, द टीचर टेल्स स्टोरी अबाउट एनिमल्स, चिल्ड्रन मेक एनिमल नॉइजेज एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ द एनिमल इट इज। इट इज जो है दोस्तों ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है। हिंदी बता देते हैं दोस्तों, द टीचर टेल्स स्टोरी, जो अध्यापक है वो जानवरों के बारे में कहानी बताता है। चिल्ड्रन मेक एनिमल्स नॉइजेज एवरी टाइम, जो बच्चे हैं वो जानवरों की आवाज़ें निकालते रहते हैं हमेशा। दे हियर द नेम ऑफ द एनिमल, जब भी वो किसी जानवर की को सुनते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्यों आवाज़ निकालते हैं, किस कारण से होता है? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इसका कारण होता है दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखिए कि एनी ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज एक्टिविटीज और डिवाइसेस यूज्ड इन द लैंग्वेज क्लासरूम फॉर रियलाइजिंग लेसन ऑब्जेक्टिव्स इज नोन एज। एनी ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज, कोई भी अभ्यास की एक वैरायटी, एक्टिविटीज और डिवाइसेस, उपकरण या एक्टिविटी, इन द लैंग्वेज क्लासरूम, एक भाषा की कक्षा में, फॉर रियलाइजिंग लेसन ऑब्जेक्टिव्स इज नोन एज। तो ये दोस्तों टेक्निक, उसको क्या कहेंगे, उपकरणों को टेक्निक कहेंगे, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, टेस्ट विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ ए लैंग्वेज कोर्स फॉर रिमेडियल टीचिंग इज। टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ ए लैंग्वेज कोर्स फॉर रिमेडियल टीचिंग इज, तो ये होता है दोस्तों डायग्नोस टेस्ट, जो कि अंत में लिया जाता है एक लैंग्वेज कोर्स में, डायग्नोस्टिक टेस्ट दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला है कि प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन ए कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय। द प्रैक्टिस ऑफ ए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, व्याकरणीय संरचना का अभ्यास, इन ए कंट्रोल्ड मैनर, एक नियंत्रण रूप से, कैन बी डन, वो हो सकता है, किसके द्वारा? ये हो सकता है दोस्तों गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक द्वारा जो है दोस्तों इसको सुधारा जा सकता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर संरचना को। मान लीजिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रीपोजिशन के लिए फिलिंग द ब्लैंक होता है, आर्टिकल के लिए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं दोस्तों बच्चों के सीखने के लिए वो अच्छे साबित हो सकते हैं। तो गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेज इसका एक बेहतर तरीका हो सकता है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, इन द बैकयार्ड द डॉग बार्क्ड एंड हाउल्ड एट द कैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। घर के पिछवाड़े में द डॉग बार्क्ड, कुत्ते भौंकते हैं, एंड होल्ड एट द कैट, और बिल्ली पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भौंकते हैं, किसका एक उदाहरण है दोस्तों? जबकि आपको दो वाक्य एंड द्वारा जुड़े हुए दिख रहे होंगे, ये एक वाक्य है पूरा और ये एक वाक्य है, तो एंड द्वारा दोनों वाक्य जोड़े गए हैं, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं दोस्तों ऑप्शन सी, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि आपको कारण बता दे रहे हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब दे रखी है। ठीक है, इसलिए जो है सिंपल सेंटेंस होगा, ऑप्शन सी इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है, कई बच्चे दोस्तों इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मान रहे होंगे। कॉम्प्लेक्स टेंस वो होते हैं दोस्तों जो पहला वाक्य है
तो दूसरे वाक्य पर कोई आश्रित हो। कि मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल दे दिया, आपको हिंदी में दे रहा हूँ, कि उसने उसको इतना डांटा कि वह वहाँ से चला गया। एक वाक्य है दोस्तों, तो उसने उसको इतना डांटा, यहाँ पर एक वाक्य जो है दोस्तों वाक्य पूरा नहीं हुआ है, तो जोड़ेंगे इसको किससे, की से। वह वहाँ से उसने उसको इतना डांटा कि वह वहाँ से चला गया। तो की से जुड़े हुए दोस्तों एक दूसरे पर आश्रित वाक्य हैं, तो उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहा जाता है। तो ये जो आपको एग्जांपल दिख रहा है, तो इसमें सिंपल सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए जो है सिंपल सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद ईच अदर। इनमें से कौन सा एक मेथड है सिखाने का, अध्यापन का, कैन नॉट बी यूज्ड, जो कि उपयोग नहीं किया जा सकता है इंटरचेंजेबली, अंतर परिवर्तन के साथ, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, परिवर्तन जिसमें नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ये होता है डायरेक्ट मेथड, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है एक दूसरे से, तो ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, तो ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों ऑप्शन बी, व्हाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क्स आर मीन्ट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, सम्स आर यूज्ड फॉर असेसमेंट टू। व्हाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क, फॉर्मेटिव जो टास्क होते हैं, औपचारिक जो टास्क होते हैं, उनके दौरान आर मीन्ट फॉर इम्प्रूविंग, सुधारने के लिए, जो अध्यापन कार्य उसको सुधारने के लिए, और सम आर यूज्ड फॉर असेसमेंट टू, कुछ मूल्यांकन के लिए जो है दोस्तों इनका उपयोग किया जाता है फॉर्मेटिव टास्क का, तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, मदर टंग इन्फ्लुएंसेस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय, जो मातृभाषा है वो प्रभावित करती है, कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय। मातृभाषा जो है दोस्तों किसको अच्छी तरह से प्रभावित कर सकती है एक कक्षा कक्ष में, तो ये कर सकती है वो गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल ग्रेडेड मैनर। ठीक है, गिविंग इनपुट्स, इनपुट्स दे के बच्चों को, उसके फायदे गिना के कि इस भाषा से जो आप किस प्रकार से आपको काम आ सकती है, ऐसी बातें बता के जो है कक्षा में मातृभाषा के उपयोग को बढ़ाया जा सकता है, उसमें जो है प्रभावित लाई जा सकती है, ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ए रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर लैंग्वेज टू अनदर। इनमें से कौन सी जो वाक्य है वो एक परिणाम है गलतियों का, जो कि ट्रांसलेशन यानी कि संप्रेषण द्वारा गलतियों से आता है, फ्रॉम आवर लैंग्वेज टू अनदर, एक हमारी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, तो ऑप्शन डी दोस्तों, दैट स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये एक उनका एक परिणाम है कि जब ट्रांसलेशन होती है किसी भी लैंग्वेज की हमारी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है, तो उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसका रिजल्ट है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय, जो पठन क्षमता है वो विकसित की जा सकती है किसके द्वारा, ये की जा सकती है फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स, जो शब्द हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके कॉन्टेक्स्ट से एक टेक्स्ट की ओर, जिसके द्वारा जो है पठन जो क्षमता है उसका विकास किया जा सकता है, ऑप्शन डी दोस्तों।
अगला है हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन। इम्प्लीमेंटर कौन है दोस्तों शिक्षा का, जो जो उसको अमल में लाता है शिक्षा को, तो ये होता है दोस्तों एक अध्यापक। अध्यापक की जो है दोस्तों बच्चों को और उनके पाठ्यक्रम को जोड़ने की कड़ी बनता है। ऑप्शन इस यूज हो दोस्तों, इसका जवाब हो दोस्तों लिसनिंग स्टिमुलस। जो सुनने का एक उद्दीपन है वो कौन सा है, तो ये है ऑप्शन बी दोस्तों, प्रेजेंट्स इन एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शंस। लिसनिंग स्टिमुलस जो होता है दोस्तों सुनने का जो उद्दीपन होता है वो इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी का एक अच्छा दिशा देता है दोस्तों बच्चों को, जिससे जो है उनकी पठन क्षमता का विकास होता है। ऑप्शन बी दोस्तों। अगला इफ ए लैंग्वेज टीचर हैज़ टोट ए टॉपिक, अगर जो भाषा का एक अध्यापक है वो एक टॉपिक को पढ़ा रहा है इन द क्लास, क्लास में, एंड नो स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस इन हर क्लास, देन मे बी, मान लीजिए कोई अध्यापक है दोस्तों पढ़ा रहा है बच्चों, दोबारा कोई सवाल पूछा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? तो इसका मतलब चाहे तो ये हो सकता है कि बच्चे उसमें इच्छा नहीं ले रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका जवाब हो दोस्तों, वट वर एवर वाज टोट वाज बियॉन्ड द कम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, इसके कारण से बच्चे हैं अध्यापक से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए इसका जवाब हो दोस्तों। अगला द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वाज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संरचनात्मक व्याकरण के फाउंडर कौन थे, जन्मदाता कौन थे, तो ये थे दोस्तों फ्राइज। फ्राइज जो थे वो स्ट्रक्चरल ग्रामर के जन्मदाता थे। ऑप्शन बी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों डिपथोंग्स पे, मोनोथोंग्स पे। आपको ये चिन्ह दिख रहा होगा यू, और आगे दे रखा है दो डॉट, तो इसमें हमें बताना है कि किस प्रकार से जो है ये शब्द यूज हो रहा है यहाँ पे लैंग्वेज में, बोलने में या लिखने में। तो हम देखते हैं फील, फील है दोस्तों यहाँ पर किसकी आवाज़ आ रही है हमें, हम बोलेंगे जब इसको तो हमें ऊ की आवाज़ आएगी, यू के आगे लगा रखा है दोस्तों दो बिंदु, तो ऊ की आवाज़ आएगी। देखते हैं ऊ की आवाज़ किस में आती है, फील में आ रही है, नहीं आ रही है, फुल में आ रही है, ऊ की आवाज़ आ रही है लेकिन ऊ की आवाज़ नहीं आ रही है दोस्तों, फुल भी नहीं होगा, क्लोज में भी नहीं आ रही है लेकिन कूल में आ रही है। हमने क्या कहा था ऊ की आवाज़ आए जब वो इसका जवाब होगा, तो कूल में इसकी आवाज़ आ रही है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं, फिर से चिन्ह दे रखा है, तो ये चिन्ह है दोस्तों इंग्लिश, इंग्लिश के लिए दोस्तों ये चिन्ह है, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि ये जो चिन्ह होता है दोस्तों किसके लिए होता है, किसके लिए, ये ई के लिए होता है, तो ई की आवाज़ आ रही है दोस्तों शुरू में इंग्लिश में, ऑप्शन ए दोस्तों। अगला है शॉर्ट पोएम ऑफ 40 लाइन्स इज कॉल्ड, एक छोटी कविता जो कि 14 लाइनों की होती है वो क्या कहलाती है, तो उसे कहते हैं दोस्तों एक एन एलेगे। उसको एलेगे कहा जाता है जब कोई कविता 14 लाइनें की हो, उसे एलेगे कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी। ठीक है, पहला व्हाट इज ट्रू अबाउट ए सोनेट, सोनेट किसको कहा जाएगा, सोनेट कहा जाएगा दोस्तों जब उसमें 40 लाइन्स हो किसी कविता में, उसमें एक आयम्बिपिक पेंटामीटर हो,
और वो सोनेट जो है वो सिंगल थॉट ऑफ और फीलिंग को दर्शा रहा हो तो उसको सोनेट कहेंगे। ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, और अंतिम में दोस्तों इसका कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, माउंट एवरेस्ट ब्लैंक द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों वो संसार की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसमें जो हमें फॉर्म ऑफ टेंस भरना है, वर्ब भरनी है, कौन सी प्रयुक्त होगी, तो ये होगी दोस्तों ऑप्शन सी इज। यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम दोस्तों मैथ यानी गणित पर। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। दोस्तों हम आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल करवाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन करवाएंगे जो सवाल होंगे। तो मान इसमें दे रखा कि तीन क्रमागत धनात्मक संख्याएं दे रखी हैं। मानी हमने पहली धनात्मक है एक्स -1, उसके बाद है एक्स, फिर उसके बाद एक्स +1। मान लीजिए हमें तीन धनात्मक संख्याएं दी हुई हैं और इनके वर्गों का योग दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है, इनके वर्गों का योग जो दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है हमें कितना, 365। ठीक है, ये हमें दे रखा है दोस्तों। तो एक्स -1 का होल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स +1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 365 दे रखा है दोस्तों। तो हम एक्स -1 का होल स्क्वेयर खोलेंगे, क्या होगा जब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 -2x। ठीक है, अगला था एक्स स्क्वेयर, वो वैसा ही का वैसा रहेगा एक्स स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद था एक्स +1 का होल स्क्वेयर, तो होगा दोस्तों एक्स स्क्वेयर प्लस 2x+1। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा काटता है कौन सा छटता है। देखते हैं 2x से 2x गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कितना हो गया दोस्तों, 3x² हो गया। ठीक है, 3x² कितना हो गया, +2, यहाँ 1 था और यहाँ पर 1 था, तो 3x² प्लस 2 हो गया दोस्तों कितने के बराबर, 3x² प्लस 2 हो गया दोस्तों 365 के बराबर दे रखा था दोस्तों। बिल्कुल ठीक है, दो यहाँ पर था तो दोस्तों वहाँ पर माइनस में हो जाएगा, 363 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 3x² दोस्तों कितने के बराबर हो गया, ये हो गया 363 के बराबर, और जो 3 है दोस्तों ये इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 121 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर और 121 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू जो दोस्तों 11 होगी। तो एक्स की वैल्यू क्या हुई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी दोस्तों 11। ठीक है, आ गया समझ में। तो हमें संख्याओं का योग निकालना था, तो पहली संख्या है दोस्तों 10, क्योंकि एक्स -1 था, फिर एक्स था, फिर एक्स +1 था, और एक्स की वैल्यू आई हमारी 11। ठीक है, तो एक्स -1 तो एक्स यानी 11 और एक्स +1 यानी कि 12, तो 10, 11 और 12 जो है संख्या आ गई है दोस्तों। तो 10 +11 + 12 का क्या होगा, योग क्या होगा दोस्तों, ये होगा 33, ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए कि बाघ के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि शेषफल 46 हो तो भाजक कितना होगा। ठीक है दोस्तों, भाजक दे रखा है दोस्तों भागफल का 10 गुना और भाजक दे रखा है शेषफल का 5 गुना। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो मान लीजिए भाजक को हम 20 जी से लिखते हैं, भाजक जो है दोस्तों वो भागफल का कितना है, 10 गुना है। ठीक है, और भाजक जो है दोस्तों वो है शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तो भाजक कितना हो जाएगा दोस्तों, भाजक जो है दोस्तों 46 गुना 5 हो जाएगा, 3 230 हो जाएगा। ठीक है, भाजक आ गया दोस्तों 230
और भागफल हमें निकालना है, यानी कि भागफल निकालेंगे तभी हमें वो संख्या पता लगेगी ना। तो भागफल हो जाएगा दोस्तों, भागफल क्या होता है, वो होता है भाजक बटा में जितनी भी गुना दे रखी, यहाँ पे गुना दे रखी 10, ठीक है। तो हमारा क्या आया था, भाजक आया था दोस्तों दोस्तों 230 और बटे में हो गया 10, ठीक है। तो कट गया 0 से 0, 23 आ गया हमारा दोस्तों भागफल। तो भाज्य में निकालना था, तो भाज्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक था हमारा 230, ठीक है, और गुना भागफल होता था हमारा दोस्तों 23, और शेषफल था हमारा दोस्तों 46, ठीक है। शेषफल दोस्तों दे रखा है, तो इसको जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5336 इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला है मैं दोस्तों इकाई का अंक निकालना है, इनमें से हमें संख्या दे रखी इकाई का अंक निकालने के लिए। तो इकाई का अंक देखेंगे हम दोस्तों कैसे निकालते हैं इकाई का अंक। दोस्तों सबसे पहले हम दो पावर दे रखी है पहली संख्या की, उसको 4 से भाग कर लेंगे। 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा शेषफल जो बचेगा वो 0 बचेगा, ठीक है। जब 4 से भाग करेंगे 372 को, तो शेषफल क्या होगा, वो 0 बचेगा। तो 0 जो 124 की पावर हम क्या कर देंगे दोस्तों, 0 कर देंगे, प्लस 124 है दोस्तों, यहाँ पर 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो शेषफल होगा दोस्तों कितना, कितना होगा, ये होगा दोस्तों 1, ठीक है। 1 जो है दोस्तों इसका क्या होगा, शेषफल होगा। तो यहाँ पर किसी की पावर हो दोस्तों 0 हो तो क्या क्या होता है वहाँ पर, वहाँ पर 1 होता है और 124, तो टोटल कितना हुआ हमारा 125। तो इकाई का अंक क्या हुआ, इकाई का अंक हुआ हमारा दोस्तों 5। तो जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए 5, ठीक है। आया समझ में, निम्न पाई चार्ट दे रखा है दोस्तों, ठीक है, खर्चों को प्रदर्शित कर रहा है, उसकी कुल आमदनी इतनी है और यदि वह इतनी बचत करता है तो एक्स का मान निकालिए, ठीक है। हमें पाई चार्ट दे रखा है दोस्तों, देख लेते हैं पाई चार्ट। इसमें दे रखा है दोस्तों एक तरफ दवाइयाँ, भोजन और बचत, और हमें निकालना क्या है दोस्तों, देख लेते हैं, निकालना है दोस्तों हमें एक्स का मान, ठीक है। तो हम एक्स का मान निकालेंगे दोस्तों, एक्स का मान जो होगा वो हमारा निकालेगा किस पर, बचत पर और कुल आमदनी पर, ठीक है। तो एक्स का मान निकलेगा दोस्तों, एक्स का मान जो निकलेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी बचत कितनी है दोस्तों, ठीक है। बचत है दोस्तों उसकी 4900, ठीक है, और दिन कितने हैं दोस्तों उसके टोटल पास, उसके पास है 360, ठीक है। हमें दिया भी हुआ है दोस्तों निम्न पाई चार्ट की दे रखे हैं, खर्चे दे रखे हैं, और उसकी बचत दे रखी है एक तरफ उसका क्या दे रखा है, कुल आमदनी दे रखी है, ठीक है। तो सीधा सा फॉर्मूला है दोस्तों इसका, हम 4900 लिखेंगे, बचत लिखेंगे, ठीक है, और गुना क्या कर देंगे, ये जो है दोस्तों पूरा पाई चार्ट है जो, इसमें मैं क्या दे रखा है, हमें क्या मिल सकता है इसमें, इसमें हमें दोस्तों एक पूरा जो पाई है वो 360 में से बना हुआ है, 360 डिग्री का ये है, जिसमें से 135 डिग्री भोजन के लिए है, दवाइयाँ हैं, अन्य है और बचत के लिए। तो पूरा टोटल कितना होगा दोस्तों, ये 360 होगा, बाय बटे में करेंगे दोस्तों उसके कुल आमदनी, इसको सॉल्यूशन करते ही दोस्तों में क्या हो जाएगा, एक्स का मान मिल जाएगा। तो एक्स का मान क्या होगा दोस्तों, ये होगा 63, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। सिंपल सी बात थी, पाई हो दोस्तों 360 डिग्री का होता है, इसमें भोजन दे रखा है, बचत दे रखी है, तो हम बचत गुना 360 बटा कुल आमदनी कर देंगे तो एक्स का मान निकल आएगा, ऑप्शन सी दोस्तों। अगला 1 किलोग्राम आम का क्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों 75, 4 किलोग्राम आम का मूल्य दे रखा है दोस्तों क्या, तो 4 किलोग्राम आम का मूल्य कितना होगा, तो दोस्तों 1 का है 75, तो 4 का होगा दोस्तों 75 गुना 4 कितना होगा दोस्तों,
गुना चार होगी 300, ठीक है, ऑप्शन बी दोस्तों। गुनाई करनी थी सीधी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविमीय समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? जो त्रिविमीयम यानी थ्री डायमेंशन होती हैं उनको विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप है दोस्तों, ये होता है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, ठीक है, ऑप्शन डी। ये जो है त्रिविमीयम आकृतियों को समझाने के लिए बच्चों की मदद कर सकता है, बोतल के ऊपरी दृश्य को देखना। अगला, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, इसमें आधार दो की प्रणाली का पालन किया जाता है, ऑप्शन बी। ये सही नहीं है, ऑप्शन बी दोस्तों। अगला, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। शाब्दिक समस्या है दोस्तों कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, मनीष के पास कितनी पेंसिल है? तो हम इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं, कौन सी जो है दोस्तों किस प्रकार से कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं दोस्तों तुलनात्मक जमा द्वारा इसको हम हल कर सकते हैं दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? गणितीय तर्कणा का सूचक है दोस्तों ये होता है ऑप्शन ए, गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता, जो गणितीय तर्कणा का सूचक होती है, ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है, अगला, प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। वांछनीय प्रक्रिया कौन सी होगी? ये होगी दोस्तों कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक्स्थान की अंतर्दृष्टि समझ को विकसित कर सकें, ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित इनमें से नहीं है दोस्तों मापन, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? तो देखते हैं, संख्यांक एक प्रतीक जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। एक संख्या को विभिन्न संख्याओं का द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? कौन सा जो है गणितीय प्रक्रम नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों कंठस्थ करना, ये एक गणितीय प्रक्रम नहीं है, ऑप्शन ए। अगला, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। तो शाब्दिक समस्याएं दे रखी हैं कि एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? एक तो ये कथन है दोस्तों, ठीक है, कि अगला कथन है कि एक 9,950 वाले मोबाइल फोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? तो क्या होगी दोस्तों नई कीमत? तो ये होगी दोस्तों ऑप्शन डी, कि ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी डी दोस्तों। अगला, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो सही कथन है दोस्तों ये होगा ऑप्शन सी, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, ठीक है, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अगला, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? कौन सी भिन्न जो है सबसे छोटी है? तो दोस्तों सबसे छोटी है
ऑप्शन बी 10/11। अगला, दो संख्याओं का लघुत्तम स्वाबर्त उनके महत्तम स्वाबर्त का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? ठीक है, लघुत्तम स्वाबर्त जो है दोस्तों वो महत्तम स्वाबर्त का 4 गुना है। तो मान लीजिए लघुत्तम स्वाबर्त मान लेते हैं महत्तम स्वाबर्त का 4 गुना। ठीक है, और योगफल दे रखा है इनका एल प्लस एच कितना दे रखा है, एल प्लस एम जो है कितना दे रखा है 125। ठीक है, तो एल हो गया हमारा कितना 4m, तो एल की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो एल की जगह दोस्तों हम रख सकते हैं क्या 4m। तो 4m प्लस m इज इक्वल टू 125, तो m की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों हमारे पास 25। ठीक है, और h कितना दे रखा था दोस्तों, h दे रखा था l बाई 4। ठीक है, तो l कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, तो l हो जाएगा दोस्तों कि l कितना था 4m था, तो l हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 4m, m कितना था दोस्तों 25 आया था, तो L हो जाएगा 100 और M हो जाएगा 25 दोस्तों। तो दूसरी संख्या निकालने का तरीका है दोस्तों लघुत्तम स्वाबर्त गुना महत्तम स्वाबर्त बटे में पहली संख्या। तो एक संख्या दे रखी है 100, हमारे पास दोनों संख्याएं आ चुकी हैं, तो लघुत्तम स्वाबर्त कितना था 100 था, महत्तम स्वाबर्त 25 था, और पहली संख्या है दोस्तों 100। इनको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 25। तो संख्या क्या गई, ऑप्शन बी दूसरी संख्या होगी 25 दोस्तों। ठीक है, अगला, 25 व्यक्ति एक कार्य को 50 दिन में पूरा करते हैं, 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? दोस्तों इसकी सीधा सा फॉर्मूला है, आपको दोनों जो व्यक्ति और कार्य के दिन है उनको गुना करना है। ठीक है, 25 गुना 50, और जो ये होता है 10 व्यक्ति उनको भाग कर देना है। आपका जवाब आ जाएगा दोस्तों 10 × 5 = 50, 25 × 5 = 125। तो दोनों जो हैं दोस्तों 125 दिन में पूरा कर देंगे, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, बिल में 35% छूट देने पर और 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर ₹22 का अंतर आता है, तदनुसार उस बिल की राशि कितनी थी? तो हमें बिल की राशि बतानी है दोस्तों, देखते हैं। सीधा सा फॉर्मूला है दोस्तों, जब आपको परसेंटेज दे रखी हो 20 + 20 - 20 × 20 / 100 कर देना है दोस्तों। तो ये मैं किसकी आ गई, 20% के 2 क्रमिक छूटों की एकल समतुल्य छूट आ गई दोस्तों। तो ये हमारी आ जाएगी 36%, जब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे समझ में, तो 36 - 35 इसका समतुल्य कितना है दोस्तों, तो ये है ₹22 हमें दे रखा है, छूट देने पर कितना है ₹22 का अंतर आता है, कि 36 - 35 हो जाएगा दोस्तों 22। ठीक है, तो एक किसके बराबर हो गया, 22 के बराबर हो गया। एक किसके बराबर हो गया दोस्तों, एक जो है 22 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 100 किसके बराबर होगा, 100 बराबर होगा दोस्तों 2200 के। तो क्या आ जाएगा, बिल की राशि 2200 हो जाएगी, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। तेजी से करवाने होंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो सकती है। कि अगला, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 माह का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% की दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 129 कम है, ये धनराशि कितनी हो गई? दोस्तों इसका सीधा सा फॉर्मूला है D × 100/R1T1 - R2T2। ठीक है, सीधा फॉर्मूला है दोस्तों इसको निकालने का। तो डी दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 129। ठीक है, और गुना 100 हमें करना है उसमें, बटा R1 कितना है दोस्तों, R1 है 4 हमें दे रखा है प्रतिशत। ठीक है, और T1 कितना दे रखा है दोस्तों, T1 दे रखा है हमें कितना 8 माह, यानी कि हमें वर्ष में करने के पड़ेंगे, तो बटे में 12 माइनस अगला का है 5% दर है, 5 गुना में 15/12। इसको सॉल्यूशन करना है बस, तो
इसका सॉल्यूशन आएगा दोस्तों, कितना आएगा सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा 3600, ऑप्शन डी सीधा सा क्वेश्चन था दोस्तों। तो अगला है, चित्र दे रखा है दोस्तों, इसमें हमें जो है एफ ई बी का मान निकालना है, एफ ई बी का मान, ठीक है। तो देखते हैं चित्र दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से करवाएंगे आपको। चित्र दे रखा है ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ई व एफ जो है दोस्तों क्रमशः बी सी व ए बी के मध्य बिंदु हैं, ई और एफ जो है, ठीक है, बी सी और ए बी के मध्य बिंदु हैं। ई एफ जो है दोस्तों समानांतर है ए सी के, ई एफ जो है समानांतर है ए सी के, आगे समझ में। तो अगर ई एफ समानांतर है ए सी के, तो एफ ई बी जो है दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, ये रूल है दोस्तों, अगर दो लाइनें समानांतर हैं तो एफ ई बी जो है दोस्तों, ये जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, कोण ए सी बी के बराबर होगा, कोण ए सी बी के बराबर होगा। ए सी बी हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो ई एफ भी पूछ रखा है, तो ई एफ बी बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों, ये तो 60 ही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। कि दो हमारे जो है दोस्तों, एक बार और देख लीजिए इसको, कि ये दोनों रेखाएं दोस्तों समानांतर हैं, ठीक है। तो इनका रूल होगा दोस्तों कि ये जो कोण होंगे दोनों समान होंगे, तो ये 60 दे रखा है, तो दोस्तों ये भी क्या होगा, 60 होगा, तो ऑप्शन बी दोस्तों, ठीक है। आलेख दे रखा है दोस्तों हमें, दो क्रमागत महीनों में ऑटो सेल्स में बदलाव सबसे अधिक था, तो देखते हैं इसका मैं क्या पूछ रखा है। ऑटो सेल्स ये ग्राफ दे रखा था जनवरी से लेकर जून तक का, तो हमें पूछ क्या रखा है इसमें देख लेते हैं। तो दिए गए लाइक के अनुसार किन दो क्रमागत महीनों में ऑटो सेल्स में बदलाव सबसे अधिक था, तो सबसे अधिक बदलाव है दोस्तों वो किस में था देख लेते हैं, ठीक है। ये था दोस्तों, सबसे ऊंचा कहाँ पर है, ऊंचा है दोस्तों अप्रैल में है, और उसके बाद है जून में, ठीक है। तो हमें पूछ रखा है कि सबसे अधिक बदलाव किस में था, सबसे अधिक बदलाव किस में होगा दोस्तों, सबसे अधिक बदलाव होगा हमें अप्रैल और मई में, अप्रैल में सबसे ज़्यादा था, उसके बाद किस में था, मई में था, ठीक है, याद रखें दोस्तों। अगला है भुजा का वर्ग एकांक है, वर्ग मीटर में मापा जाता है, तो वर्ग विकर्णगत रास्ते की लंबाई क्या होगी, तो विकर्णगत लंबाई रास्ते की लंबाई होगी दोस्तों, ये होगी जब भी आपको विकर्ण के बारे में कुछ भी पूछ लिया जाए, तो आपको हमेशा क्या करना है, उसको √2 से गुना कर देना है, ठीक है। भुजा दे रखी हो किसी भी आयत की, वर्ग की, तो हमें सिर्फ विकर्ण निकालने के लिए उसको √2 से गुना करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक वर्ग भुजा दे रखी है हमें, एक वर्ग मीटर, तो एक को जब √2 से गुना करेंगे तो जवाब कितना आएगा, यह आएगा दोस्तों √2, ऑप्शन सी, ठीक है, बिल्कुल आसान था। दी गई आकृति में ए प्लस बी प्लस सी डी का मान क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डी का मान क्या होगा दोस्तों, इसमें ए प्लस बी प्लस सी डी का मान होगा दोस्तों, आपको पता है कि जो आयत होती है, वर्ग होता है, उसमें कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री होगा इसका जवाब, ऑप्शन सी, आसान क्वेश्चन था ये तो। अगला, यदि किसी बिन के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए, तो बिन का मान 16/55 का हो जाएगा, बिन का मान क्या होगा, कर लेते हैं 16/55 गुना में, बढ़ाया कितना है, बढ़ाया है दोस्तों 120%, और घटाया कितना है, घटाया है 180%, सिर्फ हमें सॉल्यूशन करना है, हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारी जो बिन होगी वो 2/5 होगी, ऑप्शन है। अगला, 5x-5 का जो है दोस्तों क्या आएगा, x का मान, तो 5x-5 = 12, 5x 5 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 17/5, 17/5 कहाँ पर है, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों।
अगला तीन संख्याओं का औसत जो है दोस्तों 135 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है और शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है, तो तदनुसार सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो ये होगी दोस्तों 95, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, निकाल लीजिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, अगर नहीं निकलता तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, हम इसके बारे में आपको दोबारा से बता देंगे। ठीक है, राय तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग इतना है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों 8:7, ऑप्शन डी। ठीक है, एक बार कोशिश कर लीजिएगा दोस्तों, अगर नहीं आ रहे हैं तो हम दोबारा से जो है मैथ के लिए आपकी वीडियो बना देंगे। अगला, एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं दोस्तों, ये दे रखी हैं और से निरूपित की जाती हैं, ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? तो ऐसे जो हैं दोस्तों वो सिर्फ एक त्रिभुज संभव, ऑप्शन बी। अगला चित्र दे रखा है हमें, ओ ए दे रखा है, ए सी दे रखा है, ओ बी क्या होगा? तो ओ बी होगा दोस्तों कितना होगा? 6, ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, क्यों होगा ऑप्शन बी? क्योंकि जो है ट्रायंगल ए बी ओ दे रखा है, ट्रायंगल ए बी और ओ, इसमें जो है दोस्तों 90 डिग्री होगा, हमें ओ ए दे रखा है और ए सी दे रखा है, तो ओ बी कैसे निकलेगा? ओ ए का स्क्वेयर कितना होगा दोस्तों? 100 माइनस ए बी का स्क्वेयर कितना होगा दोस्तों? यानी कि ए सी कितना हो जाएगा? अगर ये पूरा कितना है, अगर ये पूरा 8 है, यानी ये पूरा 16 है, तो आधा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वेयर 64 का अंडर रूट, 100 माइनस 64 कितना हो जाता है दोस्तों? 36, 36 का अंडर रूट कितना होगा? 6, ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चनों पर। ठीक है, पहला, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, सही कथन जानना है, तो ये है दोस्तों कि, ठीक है देख लेते हैं पूरा एक बार, तो सही कथन है दोस्तों ऑप्शन ए, ए 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, यह कथन सही है दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, जो 1 से 2 की कक्षाओं होती हैं उनमें भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, याद रखिए दोस्तों। अगला, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि? तो यह इंगित करता है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ऑप्शन बी दोस्तों। अगला, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, जो संकलित करता है कि पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के उदाहरणों और मुद्दों को दर्शाता है, ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, वांछनीय गतिविधि इनमें से कौन सी है दोस्तों? तो ये विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ये शिक्षक जो शिक्षक होता है उसके लिए वांछनीय गतिविधि है, ऑप्शन डी इसका जवाब करो दोस्तों। ठीक है, अगला, पहाड़ों पर चढ़ते हुए सांस क्यों फूलती है? जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा सामान्यतः, तो सांस फूल जाती है, तो इसका कारण है कि पहाड़ों पर चढ़ते हुए ऊपर वायु दाब कम हो जाता है, इसके कारण से जो है पहाड़ों पर चढ़ते हुए सांस फूल जाती है, ऑप्शन ए इसका जवाब हो दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को सुझावित प्रकरणों का उपक्रमण है? तो ये दोस्तों जानवर, इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है,
अगला, पर्यावरण दिन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या होता है? तो उनको प्रेरित करने का उद्देश्य होता है दोस्तों, क्या? बच्चों में सौंदर्याघात संवेदना का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, और बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। तीनों ही कथन इसके सही हैं दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, अगला, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो जोड़ा जा सकता है ऑप्शन ए द्वारा, केवल एक और दो द्वारा। एक और दो कौन कौन से हैं? वृत्तांत और कहानियों द्वारा जो है बच्चों को प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कहानियाँ सिखाकर, बच्चों को वृत्तांत सुनाकर इसमें जोड़ा जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन एक और दो। ठीक है, अगला, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो पौधे हरे होते हैं दोस्तों, याद रखिए, होते हैं क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन डी। बार बार पूछा क्या क्वेश्चन है? अगला, मानवीय गतिविधियों जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो ये दोस्तों प्रोक्स भी, यानी कि एरोसोल कैन का उपयोग, वनों का जलाना और कृषि के लाभ, ये पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं तीनों दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला, U4BAC फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? U4BAC फैमिली की कौन सी फसल जो है दोस्तों बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो ये होती है दोस्तों जेट्रोफा। बार बार पूछा क्या क्वेश्चन है? ऑप्शन बी। अगला, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पति का नाम ओशिमम सेंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दोस्तों सामान्यतः तुलसी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, तुलसी को जाना जाता है। अगला, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है, पीने योग्य पानी इसको कहा जाता है। अगला, वर्ष 1984 को भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण, ऑप्शन बी दोस्तों। अगला, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? इंदिरा गांधी नहर जो है दोस्तों राजस्थान में ये प्रवेश करती है ऑप्शन बी, मसीता वाली हनुमानगढ़ से। मसीता वाली हनुमानगढ़ से जो है दोस्तों ये प्रवेश करती है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, MS स्वामीनाथन एक क्या थे? MS स्वामीनाथन जो है दोस्तों सबको पता है कृषि वैज्ञानिक थे, ऑप्शन सी दोस्तों, जिनको जो है हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को, ये भी याद रखिएगा। अगला, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया ये दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, ऑप्शन डी दोस्तों। अगला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो ये सोख लेते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन ए। अगला, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों मृतक बक्षी, ऑप्शन बी। अगला, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तप्त भौम जल से दोस्तों भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑप्शन ए। ठीक
ठीक है। अगला, 16 गा स्थल कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 गा स्थल जो है दोस्तों पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। अगला, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं, भारत में पेलिकन पक्षी जो है दोस्तों प्रजनन करते हैं, याद रखिए, ऑप्शन डी, कोकारे पलूरू, नीलापट्टू और कंथन कुलुम में, तीनों पर प्रजनन करते हैं, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, मिनी मात्रा रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें पाया जाता है दोस्तों पारा, ऑप्शन बी सी। ठीक है। अगला, जोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है, तो ये हुआ दोस्तों ऑप्शन सी, दक्षिणी ध्रुव पर। अगला, महास्फोटक सिद्धांत संबंधित है, तो महाविस्फोटक सिद्धांत है दोस्तों ये संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन बी। अगला, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, रेड डाटा बुक जो है दोस्तों वो संबंधित है विलुप्ति के करीब जीवों पर जो है इसे संबंधित है, ऑप्शन ए। रेन में से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है, तो ये है दोस्तों रेखा शर्मा, ऑप्शन सी। अगर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो ये की जाती है दोस्तों सबको पता होगा राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं दोस्तों भाग 9 में, ऑप्शन बी। और अंतिम में दोस्तों इस पेपर का, कि जो 73वीं संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो ये दोस्तों शहरी स्थानीय सुशासन से, ऑप्शन सी। तो लीजिए दोस्तों आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक से रिकमेंड करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।